हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशा टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आ जाती है एसेंचर कंपनी की तरफ से। एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यहाँ पे आपको जॉब रोल देखने मिल जाता है। तो पूरी डिटेल्स में आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पूरे यूट्यूब पे मैं सबसे पहले इसका अपडेट दे रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड टेलीग्राम चैनल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का वेब पेज अपीयर होने वाला है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे आपको एंड्रॉइड रोबोट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बेसिक चीजें देखने मिल जाती है। यहाँ पे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है एंड एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एएससी की जॉब रोल देखने मिल जाती है। डायरेक्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल जाती है। यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करते हो तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है, जो भी डिटेल्स मांगी गई है, वो सभी डिटेल्स आपको ऐड कर देना है। इस तरह से आप इस जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको सोर्स ऐड करना है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में किस तरह से पता चला, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी होती है, नेम, यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंसेंट देना होता है व्हाट्सएप के लिए ताकि व्हाट्सएप पे वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके, डेट ऑफ बर्थ, करंट लोकेशन, एजुकेशनल डिटेल्स, प्रोफेशनल डिटेल्स, स्किल्स जो रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेशन डिटेल्स एंड प्रीफर्ड जॉब लोकेशन की आपको जॉब लोकेशन कौन सी चाहिए, ये सभी चीजें भी ऐड करनी होती है। यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल्स का ऑप्शन देखने मिल जाता है। अगर आपका कोई गैप था या इससे पहले आप एसेंचर में वर्क कर चुके हो या नहीं कर चुके हो, कोई बैकलॉग तो पेंडिंग नहीं है, आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं, इस तरह से आपको बेसिक चीजें देखने मिल जाती है जो कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे फिर उसके बाद आ जाता है, आपको यहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड करना होता है, फिर पासपोर्ट साइज फोटो, फिर कॉलेज आईडी, फिर गवर्नमेंट आईडी कार्ड आपको एक सिलेक्ट कर लेना है, पैन कार्ड, ये सभी चीजें आपको अपलोड करनी होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हो बी बीटेक एमईएमटेक एमसीएन एमएससी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर आप 2019, 20 एंड 21 पास आउट बैच से हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नो एक्टिव बैकलॉग्स बोथ ड्यूरिंग एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग। तो ये चीज मेंशन की गई है कि आपका कोई भी एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए और मैक्सिमम 1 ईयर का गैप ही होना चाहिए आपके एजुकेशन में। कैंडिडेट शुड नॉट हैव अपीयर्ड फॉर एसेंचर रिक्रूटमेंट असेसमेंट इंटरव्यू प्रोसेस इन द लास्ट 3 मंथ। तो अगर लास्ट 3 मंथ में आपने एसेंचर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में या इंटरव्यू प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप भूटान या नेपाल के कैंडिडेट्स हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास वीजा होना चाहिए, ठीक है, वर्क वीजा छोड़ के आपके पास यहाँ पे वर्क करने के लिए सिटीजनशिप होनी चाहिए। तो ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखने मिल जाता है इस पर्टिकुलर जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के लिए। और भी बहुत सारी डिटेल्स है जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है जो कि आप रीड आउट कर सकते हो। एग्जाम देने के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात कर ली जाए तो प्रॉक्टर्ड असेसमेंट होने वाला है एंड इंटरव्यू होने वाला है। तो सभी चीजें ऑनलाइन होने वाली है, वर्चुअल होने वाली है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास गूगल क्रोम का लेटेस्ट ब्राउजर होना चाहिए, लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, आप मोबाइल से वर्क नहीं कर सकते, इंटरव्यू या एग्जाम नहीं दे सकते। वीडियो और ऑडियो की बात कर ली जाए तो वेबकैम होना चाहिए एंड गुड क्वालिटी माइक होना चाहिए आपके पास, ठीक है। विंडोज 8 या विंडोज 10 रिक्वायर्ड है, विंडोज 7 नहीं चलेगा। रैम एंड प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो 4 GB से ज्यादा रैम होना चाहिए, 4 GB से कम नहीं होना चाहिए। i3 5 जनरेशन होना चाहिए 2.2 GHz के साथ। इंटरनेट की बात कर ली जाए तो 2 Mbps का स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है, अगर आप हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो तो वो भी चलेगा, लेकिन स्टेबल नेटवर्क होना चाहिए। नेटवर्क की बात कर ली जाए तो VPN एंड प्रॉक्सी डिसेबल होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें आपको फॉलो करना है अगर आप इस के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो आई होप आपको सभी चीज समझ में आई हो। आपको सभी डिटेल्स ऐड करना है एंड सबमिट पे क्लिक करके इस जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल दी एंड।